इतना मजबूत रहना कि टीम भी बाहर समान रही, ब्रोसना भी समान रही। आज सुबह एक बड़ी खतरनाक घटना हो गई। क्या आज अंकल आंटी भी ब्लॉग शूट कर रहे हैं, बताए कुछ दिनों बाद तो मुझे भी ब्लॉगर बनना है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है थोड़ा लेट, क्योंकि आज सुबह से सब लोग बिजी थे, हम लोग थोड़ा बाहर जा रखे थे फ्लेक्स वगैरह के काम के लिए। तो अभी हर्ष भैया भी आ चुके हैं, हर्ष भैया से मिलाती हूँ आप लोगों को मैं। हाँ भाई, कहो कहाँ हो जी। गुड मॉर्निंग हो गया आपकी सुबह? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नून हो रहा है हमारा। अंकल आंटी जी कहाँ हैं? अंकल आंटी ऊपर है, चलो मिलते हैं, आ जाओ। अंकल आंटी से मिलाते हैं, अंकल आंटी कुछ काम कर रहे हैं ऊपर। आज अंकल आंटी सुबह से बिजी है। क्या कर रहे हो आप? मेरा दान खेत में लगे हुए थे। हाँ, तब खेत से लग के यहाँ पे लग के छत में। आज सारी सुखा दी आपने? अभी नहीं सुखे, अभी कम से कम 3 दिन और। देखो आज अंकल आंटी ने तो सारा काम किया। अंकल तो पानी लगा रहे हैं। मैं पानी नहीं लगा रहा, तुम्हारी आंटी धान सुखा रही है और मैं उन्हें गीला कर रहा हूँ यहाँ से पानी डाल डाल के। पर इन पौधों को भी सींचना पड़ता है ना। फूल तो मस्त हो रखे, फूल अरे नहीं हो रखा, मस्त तो मस्त हो ही रखे, लेकिन फूल तो मस्त क्या होगा ये? हा? पेट की पूजा। फूल किस लिए होगा? पूजा के लिए। पूजा के लिए वो पूजा पूजा में रुक रखने के लिए। सुबह पूजा करते हुए आंटी ने भगवान जी से पेट पूजा होगी। और आंटी आज एक गुड न्यूज दूं? हाँ दो। आज ना भैया के फ्लेक्स फाइनली छपाने जा रहे हैं हम लोग, प्रिंट होंगे आज फ्लेक्स। अच्छी बात है। और फिर शायद कल या परसों से। तुमने आज काम? आज तो हम लोग ने बहुत सारा काम। तो हम लोग कल 4:30-5 बजे सोए, क्योंकि हम लोग को भैया के कपड़े वगैरह फाइनल करने थे, फ्लेक्स वगैरह कहाँ लगेगा वो फाइनल करना था। फिर हम लोग उठे कितने बजे? 11 बजे तो हम लोग उठे, इसलिए आज थोड़ा लेट हो गए। बाकी अभी हम लोग चलेंगे। नंबर प्लेट लगी भाई की नहीं लगी? ना अभी नहीं लगी। हम लोग को वो भी लगाएंगे अभी, आज देखते हैं या फिर कल लगाएंगे, क्योंकि भैया के कपड़े भी लेके आने हैं आज। थीक, और भी ठीक है, तो शाम को हम लोग कपड़े लेने भी जाएंगे। फिलहाल मिलते हैं, फिर देखेंगे हम कैसे कैसे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कपड़ों में। कपड़े इतना पागल हो रखा है ना, कपड़े देख के क्या कर रहे हैं? चप्पल जो भिजवाई ना, उसे तो चूम रहा की मेरी सब मांग रही, उसे मुझे दे दे, कह रहा मैं तो नहीं दूंगा। पहले ना आंटी पता कैसे कर रहे थे, पहले अपनी चप्पल नीचे रखते थे और कल तो टेबल के ऊपर रखे बैठे हुए थे। सब बोल रहे हमें दे दो, मुझे भी चाहिए ये वाली चप्पल। नारायण ने बोला मैं पहन के चेक कर लूं, कह रहे नहीं मेरी चप्पलों पे नहीं, मेरे देखो कितने प्यारे प्यारे, ऐसे उन्हें पकड़ के बैठ गए बैठ के ऊपर। चलो अच्छी बात है, बाहर से ये तो खुशी हो रही है, हमारी टीम भी बाहर से काम कर रही है। कल बोल रहे थे, कह रहे मुझे लगा मेरी टीम मुझे भूल तो नहीं गई होगी, कह रहे हाँ मेरी टीम जिंदा है। क्या भरोसा ना, कोई नहीं भूला बोलना तेरे को, तेरा तो खास ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे पता नहीं चल रहा है ना, इसलिए इतना मजबूत रहना की टीम भी बाहर संभाल रही है, भरोसा भी संभाल रही है, निश्चिंत रहना बोलना। कल कह रहे अब तो कॉन्फिडेंट आ गया पूरा, बढ़िया बस यही चाहिए था हमें। अंकल कहाँ थे आप सुबह से? आज सुबह एक बड़ी खतरनाक घटना हो गई। क्या घटना अंकल? घटना ये हुई कि मैं, मेरी आज प्रेजेंटेशन थी, तो प्रेजेंटेशन के लिए पूरा तैयार हो गया। कल रात में बहुत पजल्ड था, क्योंकि नहीं प्रेजेंटेशन पूरी नहीं बनी। अब जब सुबह प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो गया तो अच्छा हुआ कि फोन कर दिया, उसने कहा आपकी प्रेजेंटेशन आज नहीं है। तब अंकल ज्यादा खुश हो गए कि आज नहीं, तब आज टाइम मिल गया ना प्रेजेंटेशन का। आज मैं पूरे दिन भर से नीचे बैठा हुआ हूँ, इसीलिए तुमको दिख नहीं रहा हूँ। अंकल गमलों में पानी दे रहे हैं, पूरे धनिया भी सिंचो, फूल मत देखो, धनिया भी हमारा है। आज का पूरा दिन प्रेजेंटेशन में, आज तो वो लग रहा है बैनर कहाँ लगा रहे, कल तक लग जाएगा भाने वाले में। आज हम प्रिंट करा रहे हैं भाने वाले में, कहाँ पे लगे? भाने वाले में यहाँ लगवाएंगे हम लोग, एक तो हिमालयन चौक, एयरपोर्ट साइड, हर जगह। कितने बाई कितने हैं? 20x10 उतना बड़ा वो है, उनका वो है ना फ्रेम रहता है पूरा का पूरा। कल इनके पेट्रोल पंप पे और दुकान के आगे, मेरी दुकान के ऊपर भी कल लग रहा है। चलो हम लोग जा रहे हैं अंकल आंटी, हम लोग अब मिलेंगे आपको, फ्लेक्स वगैरह प्रिंट करा के दिखाने आएंगे पहले। ठीक है अंकल, हम लोग फ्लेक्स प्रिंट करा के लेकर आ रहे हैं, वो दिखाएंगे फिर आपको। गाइस अंकल आंटी इसको वो कह रहे सूख गई, अभी कितने दिन के लिए सूखेगी आंटी? और 3 दिन बस, उसके बाद ये अंदर जाएगा, फिर अंदर जाके बाहर जाएगा, कूटेगा, तुम भात खाओगे, मतलब तुम तोर की दाल खाओगे। अभी मैं तोर की दाल मंगा रहा हूँ। हाँ तोर की दाल में तो बहुत मजा आता है, तोर की दाल खाने में आता है मजा, पकाने में। बाबू भैया से मिलना आ रखे हो क्या? बाबू भैया तो बिग बॉस है भाई, सपोर्ट है भाई, देख रहे हो बिग बॉस ट्विटर पे, बढ़िया वो पूरा कमेंट कर रहे हैं। अनुराग इज द बॉस ट्विटर पे भी हो, हैशटैग भी लगाना है, ट्विटर हैशटैग भी लगाना है, जिताना है भाई। देखो भाई जिताना है, पर धीरे चलो है। अरे कोई ना अंकल, जैसे उन्होंने पॉइंट बोला 20 है रेड से, अगर अंबाला शहर हो तो यार आपको मानना पड़ेगा यार। आज हम अपने पुरानी धनों पे जा रहे हैं, आज तो आप ही जा रहे हो अंकल, चीज पुरानी घूम के आओ। एक धनों पे बैठ के जा रहे हो,
एक धनो को बैठा के ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जा तो रहे काम से, अब जा रहे कपड़े दिखाते आ जाए भैया के और लाके। ठीक है, हमने कर लिए भैया के लिए शॉपिंग और इतने थक चुके हैं ना हम लोग, अब बस अभी जा रहे हैं हम लोग घर। घर पे हम लोग लेट पहुंचेंगे आज, तो आज अंकल भी शूट कर रहे हैं, अंकल आंटी भी शूट कर रहे हैं अभी घर पे एपिसोड, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे। बाकी आज हमने कैसे कपड़े लिए भैया के लिए, मस्त वैंकर एकदम सूट वूट भी ले लिया उसके लिए। और कल तो वो इतने एक्साइटेड से हो रखे थे ना अपने कपड़े लेके यार, जैसे क्रॉक्स को तो सर पे उठ आसमान में उठा रही उसने ऐसे। सच्ची में मतलब भैया को वो कपड़े शूज इन चीजों का इतना शौक है ना, बस उन्हें मिल जाए तो वो दिन में 10 बार कपड़े चेंज करें। और कर रहा है, कर रहे हैं सच्ची में। जा रहे हैं हम लोग, एक तो ट्रैफिक इतना ज्यादा हो रहा है देहरादून में पता नहीं क्यों, चल रहे हैं अब हम लोग और घर पे मिलते हैं अंकल आंटी से। आज अंकल आंटी भी ब्लॉग शूट कर रहे हैं, पता है गाइस। हम लोग पहुंच चुके हैं भैया के घर कपड़े लेके, बस अब देखते हैं अंकल आंटी ने आज क्या शूट किया, कपड़े भी दिखाते हैं अंकल आंटी को भैया के। खोलो भाई गेट खोलो। अंकल का व्लॉग उधर चल रहा है और मेरा व्लॉग इधर चल रहा है। गाइस बाबू भैया ने अभी आज तक घर पे काम नहीं किया और आज देखो आटा भी निकाल रहे हैं, आटा गूंद भी रहे हैं और रोटी भी बना रहे हैं। अब अंकल वो ना मस्त हो गए भैया, सबके साथ बात बात करने लगे। देखो आदमी जब काम करता है जीवन की रियलिटी से पता चलता है तो आदमी मस्त हो जाता है। अभी खाना बर्तन मांजेगा, अभी कपड़े धुलेगा ना तब और मस्त हो जाएगा। मेरी बिग बॉस अपील है इसको बहुत टफ से टफ टास्क देना। अभी तो वो सब कुछ करेंगे सारा काम, अच्छी बात है करना चाहिए। अच्छा इसको किचन के बर्तन वगैरह भी पता होंगे, प्रेशर कुकर कौन सा है। अंकल वो टॉयलेट भी साफ करनी पड़ती है। हाँ तो टॉयलेट साफ करनी पड़ती है तो क्या हुआ, अभी क्लिप डालना कभी, मैंने तो पूरी टॉयलेट साफ की है स्कूल की, हमेशा करता हूँ। कैसा लगा फिर आज का एपिसोड? आज का मस्त लगा क्योंकि आज तो गोली बना रहा था, ठीक गोल गोल रोटी तो बनानी नहीं आ रही थी, दूसरों को बता रहा ऐसे करो ऐसे करो। आज दो चीजें नहीं हुई, एक तो तुम्हारे बाबू भैया वहाँ रोटी और आटा गूंद रहा था, रोटियां भी बना था, और दूसरा मैं कोशिश कर रहा था कि मैं भी शूट कर सकूं। अब दोनों चीजें नई नई हैं और जब नई नई चीजें मिलती हैं तो वो अनुभव से ज्यादा अच्छी होती है, अच्छे से खाने से। मम्मी से अच्छा खाना बना रहा होगा, मैं उससे अच्छा शूट कर रखा है मेरा, मैंने वो भी लिया, क्या बोलते हैं उसे, यूं सिनेमैटिक आज अंकल ने पूरा शूट कर रखा है व्लॉग, आज तो अंकल ने मस्त किया। अभी देखना इसमें हैवी की नहीं है। और कमेंट्स में जरूर बताना अंकल जी कैसे व्लॉगिंग कर रहे हैं। कई अंकल जी 3x तो नहीं कर रहे ना, कई वहाँ पे भैया का चेहरा ऐसे फटता हुआ दिख रहा है। खैर जैसा भी होगा देखते रहते हैं, कुछ दिनों बाद तो मुझे भी ब्लॉगर बनना है। अनुराग कॉपीराइट ही मारेगा, ध्यान रखना, उससे ज्यादा तो मैं मार लूंगा। आज का एपिसोड तो मस्त था, लेकिन भैया मस्त किचन में काम कर रहे थे। जब मैं घर जाऊंगा ना तो सारा काम मैंने ही करना है। हम काम करेंगे वही। आप हट जाओ सामने से। दो चीजें चेक होंगी आज जो टास्क दिए गए थे, एक तो अनुराग को दिया गया था, तुम्हारे बाबू भैया को वहाँ टास्क दिया था खाना। अब जब उसकी टीम उसका बनाया हुआ रोटी दाल सब्जी उसने जो भी बनाई होगी, एक तो उसका टेस्ट होगा और एक मेरा टेस्ट होगा। लेकिन ये टेस्ट कल दिखेंगे सबके सामने, रिजल्ट कल दिखेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बी सेफ, राइड सेफ एंड गुड नाइट। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से गुलाबी दिल पुई।